हो गया। अब देखिए, जैसे एक दो सूत्र है वो प्रूफ करके दिखाऊं क्या आपको, जैसे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मैंने लिखाया था, कितना लिखा है, √3/4 भुजा स्क्वायर। इसकी ये भुजा ए है, ये ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए बाई टू और ए बाई टू, तो ये ए बी सी डी, तो इसको भी आप 1/2 × 18 × 39 से क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। इसको छोड़ो, अब मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ। जैसे आपको प्रश्न दिया हुआ है कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 21 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, किसी समबाहु त्रिभुज का, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3 × भुजा तो 3a, और वो कितना है, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर 7। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा, तो भुजा कितनी दे रखी है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 49√3/4, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, भुजा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल किस में आएगा, सेंटीमीटर, तो इसको लिख लो। मोदी आए आप लोग गए क्या, अच्छा बस लाइब्रेरी में कौन है ना मोदी जी, तो लाइब्रेरी में आ जाता तो भी थे कौन जाता कि भाई आला अड़ी होता नहीं आ जाता, आप सोचो कि जस्ट सपोज ऐसा हो जाए, है ना, या फिर और भी आप प्रो प्लेयर बनो तो वो यहाँ आए घूमे और वापस आए, आप देखो ही काहे करा प्रधानमंत्री है, तो ऐसा तो नहीं है, कितनी थी भीड़ थी काफी, काफी तो स्टेटस वगैरह में आई होगी भीड़, फोन ही नहीं देखा, चलिए ये लिख लिया, आगे देखो, आगे और चीज देखिए, जैसे एक दो में एंगल की भी बता दूं, मान लो ऐसे बोलते हैं यदि ये कोण आ गया आपका, सितर ठीक है, पूर्व जाना सितर ने, हाँ सितर, और ये है एक्स और ये है वाई, और नीचे बोले कि यदि एक्स अनुपात वाई बराबर 2:3 हो तो एक्स वे वाई का मान ज्ञात, अब आप देखना क्या देखोगे कि वो 70 है, तीना को मिला रही हो कि तो है 180, मतलब x प्लस y प्लस 70 बराबर है 180, जब x प्लस y बराबर की तो जाए 110 और 70 बन जाए जन 180 में 70 के तो 110, जन थांटा पड़ गो कि x और y को मिला रही हो कि तो है
के 110, आपा के x और y को मिला रही हो कि तो है 5, जको ज्ञात करना है वो गुणा में मान लियो था ना, ज्ञात करना है x को मान, तो अट गुणा में थे कहा लिखो 2, तो x बराबर कितो 22 बार कट हुई, 22 दुआ 44। अगेन देखो कि तंग x और y को मिला रही हो कि तो है 110, आपांग दोनों मिला रही हो कि तो है 3 और 2 5, बोले y का मान ज्ञात करो, तो आगे गुणा में कहा जी 3, तो ये 22, तो y बराबर कितना आ गया, तो ऐसा भी आ सकता है, इसको नोट करो। कर लिया, नेक्स्ट लिख रहे हैं। आगे देखिए और क्वेश्चन दे आप, आपने एक चीज देखी होगी कि त्रिभुजों के जितने भी क्वेश्चन है, जैसे समबाहु त्रिभुज है तो भी आपका 1/2 × ½ × ऊंचाई लग जाता है, समद्विबाहु है तो भी लग जाता है, समकोण है तो भी लग जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × ½ × ऊंचाई से निकलता है, कहने का मतलब ये। अब मान लो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे, कैसा दे, मान लो ऐसा दे, क्वेश्चन ऐसा है कि यदि यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई आधार की 1/3 तथा क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या शुभ होने वाला है आपके साथ, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का आधार कितना। तो आपको एक चीज सीधी सीधी दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो है 1/2 × ½ ओ हुए है, क्षेत्रफल अपन दियो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अट लिख दियो 6 लिख दियो। अब ठा है कि आधार है ऊंचाई है, जबकि ऊंचाई h है, बाकी के बाद जखी ऊंचाई है नी, बा आधार की, आधार मतलब बेस बी, आधार की मतलब गुणा कितनी है 1/3 ओई को जन थांठा पड़ियो कि 1/2 आधार ने तो बी लिखा ही, हाँ ऊंचाई ने कहा लिखा 2/3 ऊंचाई आएगी 2/3 और बराबर में 6 ओ बी 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 स्क्वायर नीचे 3 × 2 6 और 6 ई साइड आयो जना 36 अनु स्क्वायर रटियो जन अनायो रूट बी बराबर कितो आएगो 6 6 काई आगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जन बी 6 सेंटी, क्योंकि आधार एक लंबाई है, लंबाई सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में और आयतन सेंटीमीटर क्यूब, आएगो आधार 6 सेंटीमीटर लिखो। अब आर धीरे 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 आए ते साइकोलॉजी के हम काम लो कोमल लेबर असिस्टेंट का पेपर है
सिलेबस स्टैंडर्ड सिलेबस में साइकोलॉजी डाल दी। अच्छा ज्योग्राफी पढ़ा बोले। देखो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसे क्षेत्रफल आप निकालने में, फिर धीरे 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 ठीक होगा। तो शुरुआत में ध्यान रखना। आगे देखो, आगे बढ़े। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देते हैं। लिखिए, लिखो, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 आधार 4 है, यदि किसी त्रिभुज का कर्ण 5 तथा आधार 4 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कर्ण 5 है, आधार 4 है, ओ कितु हुई पहले 3 हुई, ऑटोमेटिक पता था, ऑटोमेटिक 3 हुई, ट्रिपलेट है। फिर नहीं था है तो यहां देख लियो, कर्ण स्क्वायर बराबर का ही याद रहे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की तो है 5 को स्क्वायर 25, लंब स्क्वायर रेण जब, आधार स्क्वायर की तो 4 को स्क्वायर 16। ये 25 अनडिसाइड आएगा, 25 माइनस 16 बराबर स्क्वायर हट जाए, अनडिसाइड आए रूट, रूट नौ की तो ही गोती वो यहाँ लंब निकाल। अब चूंकि क्षेत्रफल का है 1/2 × आधार × तो 1/2 × 4 ऊंचाई कितनी है 3, तो ये कितना हो गया। और यदि सब कुछ सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में है, मीटर स्क्वायर, बहुत लिखो। अब थोड़े कोण देख लेते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत कोण ज्ञात कर लेते, क्योंकि कल आपको यही सहारा देंगे। करो ऑन, आज मैंने कहा थोड़ी सी स्टार्टिंग दे देते हैं इसको। आज जिमन है, चलोगे?
कौन है आज तो मैं खुआड़ लिया हूँ तो थे तो कदी खो गए कोरा दिना में जाओ पकौड़िया पकौड़िया खाओ छोड़ दे आज नालंदा में जीवन जीमण है छुट्टी उठी मन कौन था मन भी ची बाईस रहे तो इठा कोनी गांडा ठे पण है जरूरी तो ठा चालो गए हाँ पापा का नाम दे रहे थे ले जाओ क्या हुआ ये आगे ऑन कैसे नहीं हो रहा नहीं इसको यहीं पे बना देंगे वीडियो चालो जना देख लियो पर जाओ बिना नून तो यार बने हाल नून तो है कने कार्ड एवडे पड़े तो कहें जानो आत्म थोड़ी था अम्मा आप सो गए थोड़े वो निकट ही अड़ोसिया पड़ोसिया गई ये ताल थे थोड़ा अक्षय तो यानी थान पूछ के थान कार्ड एवडे गई छे मासीर बार मासीर डांगड़ी रात की कौन छोड़ दे दियो भाई कोई हॉट स्पॉट दियो मेहरबानी करो वो भी एक पुण्य को काम है ओ पुण्य कौन करी ओल कोई बात नहीं वहां लगा दो इसको भी स्टैंड को भी उधर ले अब क्योंकि वहां बैठे रहना पड़ेगा और मैं चेक करूंगा घूम घूम के कि किसने क्या सही किया क्या गलत किया लेके आओ देख मंचूरियन सोल करना क्यों ना बार मैं फुरड़िया दूध जाओ मुंडा यार ठीक है ना नाम लिखा जाना गणे बैठे तो ये रुचि देखी आ कौन क्यों नहीं सर मैं पढ़ ले और हिंदो कराओगे सर भैया यहाँ भी कह सकता ना कि मैं सारा बार करूँ रुको मैं सोल करूँ मारखानी में प्रयास करूँ जवाब और भी कही याद है वो बता दिए मान पहले चलो इड निकालो है जस्ट सपोज मैं बता दी हूं तो अभी कौन फुल डे दूज बाद आनंद आया बे लाडन बे नहीं लो थे आगे हो हाँ आगे एन गनाए तन आगे बिठाण एन लड़ नहीं बिठाण अटो हाँ अट हाँ अरे मांग दुकान नीचे ना आगो थे ये आई कर बार मंगल कर देता हाँ ये चॉकलेट आ सगले रखे कचरो कूट रखे अंदर थांको ये जाने लाइक यू मन हाँ अट बैठो अब करो फिर से चॉइस है ये ओल्यो सिस्टम होने के मायने जॉब देने को कोई बात नहीं थे निकाल दे इन मारी था नंबर क्यों चाहिए जाए जब जटे इंटरव्यू और मोबाइल कल रात एक घटना हुई भी देखो मार मोबाइल में रात का मोबाइल नंबर एकदम सही सही सेवा मैं सुबह उठा था मार कोई काम पड़े मैं सर्च करी ऊपर नंबर आ ही कौन मैं जार बाद में भी मैंने मैनुअली चेक किया पाया अल्फाबेट में देखा तो ही कौन लग दिया फिर बाद में जा मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट चेक करी मैंने व्हाट्सअप मैंने गियो मैं देखा सर इकान व्हाट्सअप में उल्लो व्हाट्सअप में नाड़िया जो कॉन्टेक्ट 1350 ही रिया व्हाट्सअप में 1350 ही लोग क्योंकि पूरा मामलो साफ हुई कल लगभग 1500 मोबाइल नंबर नाइट नाइट में डिलीट हुई क्या हुआ
अब दो चार हुए तो कोई रश ये भी करा, अब किट्ठा ही बन पड़े की रो आवे किन करा पाचो करकंग करकंग याद है बड़े यहाँ रियात माए 1350 तो लगभग 2500-3000 के आसपास कॉन्टेक्ट आ जाए लग गया आधा रिया। अब क्यों गया क्या गया मन हालत ही ठाकुन पड़ी एक बार। अब इमें जो भी है एक मिनट रोकी जो थे वो मैं थान कोई नहीं यदि मोबाइल नंबर